स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी इन दिस वीडियो अबाउट इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अगर हम पूरी दुनिया में पाए जाने वाले अलग अलग काइंड्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करें तो हम उनको कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं, ये हमको पता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब क्लासीफाई किया जाता है, यानी उनको ग्रुप में बांटा जाता है, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ऐसा किया जाता है, ठीक है ना। दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो जिन ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होती हैं उन्हें एक ग्रुप में रखा जाता है, और जिनकी डिसिमिलर होती हैं उनको अलग ग्रुप में रखा जाता है। ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज डिसीज आर फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ सच कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो डिसीज फैलाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वह भी अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज में पाए जाते हैं, मतलब किसी एक कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म में नहीं, अलग अलग कैटेगरीज के ऑर्गेनिज्म में वो होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कुछ वायरस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सम ऑफ देम आर फंजाई, सम ऑफ देम आर प्रोटोजोअंस। तो इस तरह से अलग अलग ग्रुप्स के ऑर्गेनिजम्स हमको बीमार करने के लिए इन्फेक्शन कॉज करते हैं। कुछ डिसीज़ जो हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से भी होती हैं, जैसे कि कुछ वॉर्म्स अलग अलग प्रकार के। तो अब हम इन्फेक्शियस एजेंट्स के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर बाय द हेल्प ऑफ सम पिक्चर्स स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाया गया है SARS वायरस का एक पिक्चर आपको दिखाया गया है। तो SARS का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SARS वायरस। तो SARS वायरस जो होता है तो वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इट इज़ कमिंग आउट ऑफ द सरफेस ऑफ एन इन्फेक्टेड सेल। तो एक इन्फेक्टेड सेल के सरफेस से बाहर वो आ रहा है, और एरो से आपको दिखाया गया है वायरस। जैसे ये सपोज ये रहा, दिस इज़ द SARS वायरस। बहुत सारे वायरस जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अंडरस्टैंड। और यहाँ पर आपको देखो स्केल भी दिखाया गया है, कहने का मतलब ये है कि देखो 500 नैनोमीटर इतना लॉन्ग है इस लाइन के बराबर। तो सोच लीजिए अब आप वायरस का जो लेंथ है वो कितना होगा, बहुत छोटा होगा, है ना। तो यहाँ पर हमने SARS वायरस को देखा, तो इट इज़ अ वायरस, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बैक्टीरिया। तो ये है स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, ये भी स्फेरिकल है शेप में, और ये बैक्टीरिया जो होता है एक्ने कॉज करता है। एक्ने का मतलब मुहासे, तो हमें मुहासे हो जाते हैं वो स्टेफाइलोकोकाई के वजह से ही होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो स्केल है ऊपर वो कितना दिखा रहा है आपको, 5 माइक्रोमीटर स्केल दिखा रहा है, ठीक है ना। दिस स्केल इज 5 माइक्रोमीटर, दिस मच। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में हमको दिखाया गया है ट्राइपेनोजोमा। तो ट्राइपेनोजोमा एक प्रोटोजोअन है। तो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे ना अलग अलग ग्रुप्स, तो पहला ग्रुप आपने देखा वायरस का, दूसरा देखा बैक्टीरिया, तीसरा आप देख रहे हो प्रोटोजोअन। तो प्रोटोजोअन ट्राइपेनोजोमा जो होता है वह स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी कॉज करता है। तो ये रहा आपके सामने एक ट्राइपेनोजोमा, और ये रहा एक RBC, ठीक है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बड़ा ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख रहे हैं विच इज़ अगेन ए प्रोटोजोअन। तो दिस इज़ द लेशमेनिया, और ये लेशमेनिया डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इस डायग्राम में जो आपको दिखाया गया है डिवाइड कर रहा है। इस लेशमेनिया का जो स्ट्रक्चर होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है, इसके आगे एक फ्लैजिला होती है इसके मूवमेंट के लिए, विप लाइक ऑर्गन, विप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर धागे जैसा स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है, तो ये इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। और यहाँ पर आपको हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से ये जो लेशमेनिया है वो आपको दिखाया गया है, और ये एक डिसीज़ कॉज करता है, इसका नाम है काला अजार। तो आपको ये डिसीज़ याद रखनी है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लेशमेनिया कौन सी डिसीज़ कॉज करता है, या लेशमेनिया कौन से ग्रुप में आता है, ठीक है ना। तो लेशमेनिया कम्स इन द प्रोटोजोआ, इट इज़ अ प्रोटोजोअन एंड इट कॉजेज काला अजार। नेक्स्ट इज
ए राउंड वर्म, ठीक है, जिसका नाम है एस्केरिस लम्ब्रिकॉइडिस। तो ये जो राउंड वर्म है ये है मल्टीसेलुलर होता है और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। आपको ऊपर स्केल दिखाया गया है, स्केल देखिए सेंटीमीटर्स में है, ठीक है ना। तो इस राउंड वर्म की वजह से हमको एस्केरियासिस बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? एस्केरियासिस, अंडरस्टैंड। तो हमने यहाँ पर अलग अलग एग्जांपल्स यहाँ पर पढ़े, अलग अलग काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स जो हमें डिसीज कॉज करते हैं, जो कि अलग अलग ग्रुप्स के थे, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड राउंड वर्म्स, ठीक है, ये भी प्रोटोजोआ है। तो इस तरह से, तो आगे हम जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम थोड़ा समझेंगे और डिटेल्स में, बस अभी हम इस वीडियो में यहाँ तक पढ़ेंगे जिसमें हम केवल एग्जांपल्स की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉमन एग्जांपल्स ऑफ डिसीज़ कॉज्ड बाय वायरसेस, तो वायरस से होने वाली बीमारियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड जो आपको बहुत रेगुलर वे में हर साल एक आध बार हो ही जाता है, इसके अलावा इन्फ्लुएंजा, डेंगू एंड एड्स। तो एड्स कौन से वायरस से होती है? HIV, ठीक है, यानी ह्यूमन, मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ HIV का, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा DIEFICIENC है ये बेटा, ये तो इसको सही कर लेंगे, सी बनाना है इसको, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये ध्यान रखना आप लोग, और डिसीज़ के एग्जांपल याद रखने हैं, जैसे वायरस से कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं। उसके बाद टाइफॉइड जो होती है, या कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस और एंथ्रेक्स, ये जो होती हैं वे बैक्टीरिया से होती हैं, ठीक है ना। जैसे टाइफॉइड है वो कौन से बैक्टीरिया से होती है, एक एग्जांपल के तौर पर साल्मोनेला, टाइफी, ठीक है। और कोलेरा किससे होती है? विब्रियो कॉलेरी, ठीक है, स्पेलिंग सारी नोट कर लेना ठीक से। और ट्यूबरकुलोसिस किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम से होती है। तो एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एग्जांपल्स के तौर पर आप लिखना। इसके बाद मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंजाई। तो जैसे कि एक आपको प्रॉब्लम होती है रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म में हमें स्किन पर खुजली का एहसास होता है और ये स्मॉल स्मॉल जैसे हमारी स्किन है उस पर सर्कल्स के तौर पर फैलते चले जाते हैं, जैसे छोटे छोटे चकते टाइप के बन जाते हैं स्किन पर लाल रंग के, और हम अगर उसको खुजाते हैं तो फिर धीरे धीरे फिर वो हमारे बॉडी में और फैलता चला जाता है। तो रिंग वर्म जो होता है ये डिसीज़ है, और ये किससे होती है? ये होती है फंगस से, और फंगस का जैसे एग्जांपल कौन सी फंजाई रिंग वर्म कॉज करती है? ट्राइकोफाइटोन, ठीक है, ट्राइकोफाइटोन से हमको रिंग वर्म होता है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली उसकी पूरा नाम साइंटिफिक नेम लिखूं तो वो होगा ट्राइकोफाइटोन रबरम, ठीक है, RUBRUM। तो इस तरह से आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रोटोजोअन्स भी हमको डिसीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि मलेरिया। अब मलेरिया इज़ अ डिसीज़, ध्यान रखिएगा, और मलेरिया कौन से प्रोटोजोअन से होती है? प्लाज्मोडियम से,
एंड जो काला हजार थी वो हमने पढ़ ही लिया था, वो किससे होती है? लेशमेनिया से। हमने अभी प्रीवियस पेज में इसका एग्जाम्पल भी देखा था यहाँ पर, तो ये वाला जो था कॉजेज काला एजार, ठीक है। तो ये सारे आपने नोट किए होंगे, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमें ये भी पता है हमारी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइनल जैसे जो रीजन है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ पर वॉर्म्स रहते हैं और इससे हमको डिसीज़ होती है। वो कौन सी डिसीज़ थी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी? वॉर्म्स से होती है एस्कैरियासिस। और ये किससे होती है? एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइडिस। तो बुक में भी आपको डायग्राम में नाम मिल जाएगा। इसके अलावा फिलारियल वॉर्म इज अ कॉमन नेम और इसका साइंटिफिक नेम है उचिरिरिया बैनक्रॉफ्टी। तो उचिरिरिया बैनक्रॉफ्टी से आपको कौन सी बीमारी होती है? फिलारियासिस, ठीक है ना। फिलारियासिस का दूसरा नाम है एलिफेंटियासिस, ठीक है ना। इसको एक नाम से और जाना जाता है फिलारियासिस। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के एजेंट्स पढ़े जो हमें डिसीज कॉज करते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन्स एंड वॉर्म्स। तो इनके डिफरेंट एग्जांपल्स भी आपने पढ़े, तो आप इनका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हाँ, यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा बता दूँ, कॉमन कोल्ड कौन से वायरस से होता है? राइनो वायरस, ये याद रखना, राइनो वायरस, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।